रेप केस में सजा होने के बाद राम रहीम ने जिसहानी प्रीत को जेल में साथ रखने की इजाजत मांगी थी, अब वे उनसे नहीं मिल पाएगी। वजह बिल्कुल साफ है। जेल प्रशासन ने बाबा को रिश्तेदारों से बातचीत के लिए 2 नंबरों पर सुविधा दी है। इसमें डेरा प्रमुख की ओर से दिया गया हनीप्रीत और खुद का दूसरा नंबर है जो सिरसा के डेरा में छोड़ दिया गया था। डीजी जेल ने बताया कि दोनों नंबरों पर अभी तक बातचीत नहीं हुई है। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही यहां मौका मिल सकता है। हालांकि डेरा प्रमुख की ओर से दिया गया हनीप्रीत का नंबर फिलहाल बंद आ रहा है। बीते दिनों एक इंटरव्यू में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद मान चुके हैं कि हनीप्रीत को अभी बाबा राम रहीम से जेल में नहीं मिलने दिया जाएगा। गौरतलब है कि 25 अगस्त की रात से ही हनीप्रीत गायब है। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद से हनीप्रीत गायब नजर आ रही है। कभी उसे राजस्थान में छिपा बताया जा रहा है तो कभी नेपाल में। हालांकि भारतीय पुलिस ने हनीप्रीत के नेपाल भागने से इनकार किया है। हरियाणा पुलिस ने डेरा सचा सौदा मुख्यालय की राजदार हनीप्रीत पर शिकंजा कस दिया है। हनीप्रीत पर भी अब देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। पुलिस ने पहले से दर्ज FIR में ही उसका नाम जोड़ दिया है। डेरे के प्रवक्ता आदित्य इंसा और मुखपत्र के पत्रकार सुरेंद्र दीमान पर पहले से हिंसा भड़काने और देशद्रोह का मामला दर्ज है। सुरेंद्र दीमान समेत अन्य गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में नाम सामने आने पर पुलिस ने यह फैसला लिया। दोषी ठहराए जाने के बाद 25 अगस्त को जिस हेलीकॉप्टर में गुरमीत को चंडीगढ़ से रोहतक की सुनारिया जेल में भेजा गया उसमें भी वे मौजूद थी। इस पर काफी बवाल हुआ था। अभी तक हनीप्रीत का नाम किसी FIR में शामिल नहीं था। पंचकूला के पुलिस आयुक्त एस चावला ने बताया कि सुरेंद्र इंसा और अन्य से पूछताछ के बाद हनीप्रीत को नामजद किया गया है। अलग से कोई FIR दर्ज नहीं की है।